हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं फिर डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने पार्ट वन पोस्ट कर दिया है, उसमें डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जितना जर्नल एंट्रीज होगा सारे उस पे बेस पर बन जाएंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि आज मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट वन में सारा क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप सेकेंड पार्ट जब भेजेंगे उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जितने जर्नल एंट्रीज हैं एग्जामिनेशन में आते हैं, हमेशा आते हैं, तो इस बेस पर बन जाएंगे। मैंने पहले पार्ट में भी ये बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। ये बेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट याद कर लो आप। ये लगभग डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जितना जर्नल एंट्रीज होगा लगभग बन जाएंगे। अब ये क्या है 1, 2, अब देखो ध्यान से कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल और रियलाइजेशन टू ए और बी, जो पार्टनर का नाम होगा। अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन और ए बी टू रियलाइजेशन, यही एंट्री है। ये क्या है? लाइबिलिटीज का पेमेंट किया गया है। अगर लाइबिलिटीज पार्टनर द्वारा लिया जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्सपेंस पेड किया जाएगा तो टू बैंक, एक्सपेंस कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल। ये प्रॉफिट का है। एसेट्स रियलाइज करेगा तो बाई बैंक, एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लॉस ए और बी। इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 का पहला पॉइंट क्या है? डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड ₹500, ये हो जाएगा डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेज, यही ना पेड कर दिया गया। इसकी एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ भी किया मैंने रियलाइजेशन टू बैंक, कितना? 500। डायरेक्शन दोगे आप बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड, ठीक है। सेकंड एंट्री देखो इसका, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड यही है बाई बैंक, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक टू रियलाइजेशन। देखो आप यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक टू रियलाइजेशन किया है मैंने 2500 और 2500 बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। एंट्री नंबर 3, स्टॉक 2000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वॉज टेकन ओवर बाई ए, एक पार्टनर है, स्टॉक क्या है? एसेट्स है, कौन लिया है? ए, यहाँ देखो लिखा हमने एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का क्या नाम है? एज कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या बनेगा? एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ देखो आप एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना? 2000। एंट्री नंबर 4, क्रेडिटर, एक लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटीज, इसको पेड किया गया है तो लाइबिलिटीज पेड करेगा तो ये हो जाएगा, इसकी एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे मैंने भी किया है रियलाइजेशन टू बैंक 3000 बीइंग क्रेडिटर पेड ऑफ। एंट्री नंबर 5, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4000, ये हो जाएगा ये ए बी, इसकी एंट्री क्या करेगा? पार्टनर का नाम भी है ए बी, रेशियो क्या है? 3 and 1, 3/4 and 1/4, 4000 प्रॉफिट को 3/4, 3000, 1/4 कितना? 1000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल 3000 एंड रियलाइजेशन टू बेस बीज कैपिटल कितना? 1000, यहाँ पर किया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000, एज कैपिटल 3000 और बीज कैपिटल कितना? 1000, तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? 4000 का 3/4, 3000 एंड 4000 का 1/4 कितना? 1000, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये एंट्री हो गया। बस इस बेस को माइंड में रख लो, कोई भी एंट्री डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आप बना दोगे, ये मेरी गारंटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, 4 में क्या है बेटा कि बैंक लोन 12000 इज पेड, बैंक लोन इज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इज पेड करेगा तो क्या एंट्री करोगे आप? रियलाइजेशन टू बैंक, किया है मैंने रियलाइजेशन टू बैंक, कितना? 12000। सेकंड एंट्री, स्टॉक 6000 टेकन ओवर बाय बी, स्टॉक एसेट्स होता है, बी पार्टनर है, बी द्वारा लिया गया, तो ये एंट्री करोगे बीज कैपिटल
टू रियलाइजेशन, यहाँ मैंने किया है 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना 6000। एंट्री नंबर थ्री, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 1500 वी आर पेड बाय पार्टनर ए। एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है? ए। इसकी एंट्री रियलाइजेशन टू, यहाँ पर लिखा है बेटा एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, पार्टनर का क्या नाम है? एस कैपिटल, यहाँ एंट्री मैंने किया है रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, कितना 1500। एंट्री नंबर चार, ए टाइपराइटर एसेट्स है, टाइपराइटर क्या है? एसेट्स है। इन द बुक्स सोल्ड 200, एसेट सोल्ड करेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। देखो ये बेस पर सारा एंट्री बन रहा है, मैंने पहले बताया था पार्ट वन में कि सारे एंट्री बना के हमारे वीडियो को इंतजार करो और मेरा क्वेश्चन जाए उसको मिला लो आप। बैंक टू रियलाइजेशन यहाँ पे किया है, बैंक टू रियलाइजेशन कितना 200। और फोर, लॉस ऑन रियलाइजेशन 14000, ये लॉस, ये ए और बी, इसकी एंट्री क्या करोगे आप? क्या नेम है पार्टनर का? ए एंड बी नाम है, तो एज बी टू रियलाइजेशन किया हमने, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, 14000 है प्रॉफिट। रेशियो क्या है इनका? 5 और 2, तो 14000 का 5/7 10000 ए लेगा और 14000 का 2/7 4000 कौन लेगा? बी लेगा। ये वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा जब क्वेश्चन बनाओगे आप एग्जामिनेशन में, ये शो कर दीजिएगा कि 14000 का 5/7 एंड 14000 इंटू 2/7, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बेटा देखिए एंट्री करना है और सारे इसी बेस पर करना है 8। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दें हम, लाइबिलिटीज पेड करेगा तो टू बैंक, अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर पेड करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल, एक्सपेंस पेड करेगा तो टू बैंक, एक्सपेंस कोई पार्टनर पेड करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल और प्रॉफिट पार्टनर का नेम रहेगा। एसेट्स रियलाइज बाई बैंक, एसेट्स अगर टेकन ओवर बाई पार्टनर, बाई पार्टनर कैपिटल एंड लॉस। अब क्वेश्चन देखिए आप 5 का ए, ए पार्टनर मिस्टर एम, एक पार्टनर एम है, एग्री टू टेक ओवर द फंड्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन गुडविल तो है ना, एसेट्स है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इससे मतलब नहीं है गुडविल है एसेट्स है, रिकॉर्ड है या नॉट रिकॉर्ड है इसे कोई माने नहीं रखने वाला है। ये लिया है कौन एम, 50000 का गुडविल एसेट्स लिया है, ये हो जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल बाई एम कैपिटल, इसकी एंट्री क्या बनेगा? एम कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ किया मैंने एम्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना बेटा 50000। टू, दूसरा बी देखो आप, टेन ओल्ड कस्टमर, कस्टमर किसे कहा जाता है? डेटर को कहा जाता है, डेटर क्या है? एसेट्स होता है, टेन ओल्ड कस्टमर, कस्टमर डेटर को कहा जाता है और डेटर क्या है? एसेट्स है। उसको देना था 2000 रुपया, एक कस्टमर है उसको 2000 रुपया देना था जिसको डूबा हुआ मान लिया था, बैड मान लिया गया था, लेकिन उसे कितना बेटा रिसीव हो गया 50%, तो डेटर 2000 का 50% कितना रिसीव हो गया 1000, तो एसेट्स रियलाइज क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री करेंगे बेटा हम, क्या बैंक टू रियलाइजेशन, कितना 1000। नंबर सी, ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 15000, ये भी है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी एसेट्स होता है, ये भी अनरिकॉर्डेड है, इसका सरेंडर वैल्यू कितना रिसीव हो गया 15000, तो एसेट्स जो भी रिसीव होगा बैंक टू रियलाइजेशन, यहाँ किया मैंने एंट्री बेटा बैंक टू रियलाइजेशन, कितना 15000, एकदम इसी बेस पे बनाना है। डी, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, एक ओल्ड कंप्यूटर है जो रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5000, इट वॉज टेकन ओवर बाई एन ए पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 40%। 5000 का एक कंप्यूटर है, उसको एक पार्टनर, कौन पार्टनर का नाम है? एन ने लिया है 40% कम पर, तो 5000 का 40% कितना हो जाएगा बेटा 2000 माइनस, यानी एन ने इस 5000 के कंप्यूटर को कितने में लिया है 3000 में। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो क्या एंट्री करोगे? एन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, किया है मैंने एन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना 3000। आगे चलिए बेटा ई, एम ए पार्टनर, एम एक पार्टनर है
टू कवर टू पे मिसेज एम लोन। लोन अगर कोई का हो तो क्या हो जाएगा आपका, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज तो किसने लिया है, मिस्टर एम ने। एम एक पार्टनर है तो लाइबिलिटीज यहाँ पर लिखा है पेड बाय पार्टनर। क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन टू एम कैपिटल। यहाँ लिखोगे रियलाइजेशन टू एम कैपिटल कितना 20,000, ये टोटल 89,000 एंड 89,000। एकदम ईजी वे में बेटा बन जाएगा इसके बेस पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो आप, क्या है सिक्स में बाबू, कि ए लोन ऑफ 10,000 एडवांस बाय ये पार्टनर। अब देखिए ध्यान से, ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन लाइबिलिटीज नहीं होता है, किसी अदर का लोन लाइबिलिटीज होगा। इसमें मिस्टर एम था और लोन कितना किसका था, मिसेज एम का, यानी उनकी पत्नी का लोन था, उनकी पत्नी पार्टनर नहीं है इसलिए ये लाइबिलिटीज है। ये पार्टनर का लोन कितना है 10,000, इसको रिफंड दे दिया गया। तो आप याद कीजिएगा, ये पार्टनर का लोन ये इसमें नहीं मिलेगा, ये पार्टनर का लोन इसमें नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर का लोन होगा तो उसको अदर से एक एंट्री याद कर लो, क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 10,000 एंड 10,000। उसको पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट नहीं किया जाता है, उसकी एंट्री एक माइंड में फिट कर लो आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आइए नेक्स्ट, एक से पार्टनर टेक ओवर बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिया है 300 का, ये चीज है एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। किया मैंने एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। नंबर थ्री, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पहले का प्रॉफिट है कितना बेटा 30,000, तो हमने चैप्टर नंबर फिफ्थ में बताया है अगर लॉस होगा तो उसकी एंट्री क्या करते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ये भी लॉस है, अनरिकॉर्डेड लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है सॉरी, तो इसको भी यहाँ से एंट्री नहीं की जाएगा। इसका एंट्री एक हमने आपको चैप्टर नंबर फिफ्थ में बताया है, क्या एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। रेशियो नहीं दिया है तो किस रेशियो में बांटोगे आप, इक्वल बांटोगे 10,000 10,000 एंड 10,000। ये भी यहाँ से नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, एसेट्स रियलाइज्ड, ये है बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ देखो आप बैंक टू रियलाइजेशन। नंबर ई, वाई हु अंडर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड रुपी 2,000 फॉर द सेम, यानी एक्सपेंस को कौन पेड कर रहा, वाई। यहाँ पे देखो एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे किया है रियलाइजेशन टू वाई कैपिटल कितना 2,000। और लास्ट इंट्री क्वेश्चंस का, क्रेडिटर 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अमाउंट ऑफ 30,000, यानी 30,000 का जो क्रेडिटर है उसको 28,000 दे दिया गया, पेड किया गया। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज है, क्या है लाइबिलिटीज। तो उसका एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे मैंने किया है रियलाइजेशन टू बैंक कितना 28,000 एंड 28,000। जितना पेड करोगे वही एंट्री करोगे, टोटल 195,300। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, अब क्वेश्चन नंबर सेवन बाबू देखो, पहला है बैंक लोन 12,000 वाट पेड, बैंक लोन इज लाइबिलिटीज। तो जब लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा तो क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक, मैंने किया है रियलाइजेशन टू बैंक 12,000, लिखोगे बिंग बैंक लोन पेड। एंट्री नंबर टू, स्टॉक 16,000 वाज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू। अगर कोई पार्टनर स्टॉक मीन्स क्या एसेट्स लेगा तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैंने भी किया है क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बिंग क्यूज टूक ओवर स्टॉक। एंट्री नंबर थ्री, पार्टनर पी पेड ए क्रेडिटर 4,000, क्रेडिटर इज लाइबिलिटीज, को कौन पेड किया है पी। तो अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा तो क्या ये हो जाएगा, इसकी एंट्री बनेगा रियलाइजेशन टू पी कैपिटल। यहाँ पे आप करोगे आप रियलाइजेशन टू पी कैपिटल बिंग क्रेडिटर पेड बाई पी। एंट्री नंबर फोर, एन एसेट्स वॉट नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स
अपेयरिंग हो या नॉट अपेयरिंग, इससे मतलब नहीं है आपको। रियलाइज कितना का? 1200 का। एसेट्स रियलाइज बैंक टू रियलाइजेशन, इंट्री किया मैंने बैंक टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज। और इस क्वेश्चन का लास्ट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2000 पेड बाय पार्टनर क्यू, अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर द्वारा पेड किया जाता, ये सेंटेंस है, इसकी एंट्री रियलाइजेशन टू, पार्टनर का क्या नाम है? क्यू। तो रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, एंट्री किया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल बीइंग एक्सपेंस, यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंस पेड बाय क्यू, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन को बच्चे समझिएगा, सारा वही एंट्री है, एंट्री इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप एंट्री माइंड में रख लिया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का कोई भी जर्नल एंट्री किसी भी एग्जामिनेशन में पूछेगा आप बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1, ठीक है। ऑल द असेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह ट्रांसफर क्या होता है अब अगले जब वीडियो में हम पोस्ट करेंगे उसको आपको बेटा अच्छी वे में समझा देंगे। पहला है डेटर 1,24,200, देखो बेटा यहाँ पे हम वर्किंग नोट बताते हैं, यहाँ पे देखो डेटर है 1,24,200, इसमें वर्किंग नोट बढ़िया से समझिएगा। एक्स टेक्स ओवर डेटर अमाउंट टू बी 1,20,000 एट 1,17,000, इसमें से 1,24,000 में से 1,20,000 का डेटर एक्स ने 1,17,000 में लिया, कितने में लिया? 1,17,000 में लिया। कितने का डेटर? 1,20,000 का। टोटल डेटर कितना? 1,24,200। किसने लिया? एक्स ने लिया, यह क्वेश्चन में एक्स ने लिया। डेटर क्या है? एसेट्स है, ये हो जाएगा एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यानी ए का पहला एंट्री क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन बिंग डेटर टेकन ओवर बाई एक्स 1,17,000। अब इसी में आगे क्या दिया है, अभी डेटर कितने का बच गया है? 1,24,200 में 1,20,000 का लिया एक्स ने, तो डेटर 1,24,200 में 1,20,000 आप माइनस करोगे तो आप डेटर कितने का बच गया? 4,200 का बच गया। लिया है 1,17,000 में, लेकिन वैल्यू कितना उसका है? 1,20,000। कितना माइनस करोगे? 1,20,000। आगे चले, एंड रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग कितना है? 4,200। तो रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड 50% ऑफ द वैल्यू, यानी बाकी डेटर को 50% असूल हो गया, मिल गया। तो 4200 का 50% कितना होता है? 2100। यह वसूल हो गया, मतलब पैसा मिल गया। क्या एंट्री करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन, यानी एक का सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू रियलाइजेशन 2100 बिंग अमाउंट ऑफ डेटर रिसिप्ट, हो गया समझ में बेटा। अब हम बी चलते हैं, बी क्या है देखो आप, बी में यह डेटर का हो गया वर्किंग नोट, अब हम दूसरा वर्किंग नोट आपको बताते हैं बी का। एसेट्स 1,17,000, यहाँ पे लिखते हैं 1,17,000 का एसेट्स है। इसके बाद वाई इज टू टेक ओवर सम डेटर एसेट्स 72,000 में लिया है, वाई ने कुछ डेटर को 72,000 में लिया, कुछ क्या है एसेट्स को, नो डेटर, कुछ एसेट को 72,000 में लिया जो बुक वैल्यू से 10% कम पर लिया। यहाँ क्या था? 1,20,000 का 1,17,000 में लिया नहीं, यहाँ पे 72,000 में लिया जो बुक वैल्यू का कितना परसेंट है बेटा? 10% कम पर लिया, सॉरी बेटा। अब आइए क्वेश्चन देखिएगा, कम पर लिया, अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि 10% कम पर लिया तो इसका बुक वैल्यू कितना होगा बताइए? 72,000, 10% कम पर लिया है यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 90%। तो 100% कितना वैल्यू होगा? 72,000 × 100/90, 10% कम पर लिया तो इसका वैल्यू, परसेंट को 100 मानते हो बेस ना, 10% कम पर लिया तो कितना इसका वैल्यू? 90 पर लिया तो इसका पूरा वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू कितना था? तो 72,000 का हम निकालोगे बेटा,
72,000 का 100 बाई 8 90 बाई 90, यानी इसका बुक वैल्यू कितना होगा 80,000। अब आप देख सकते हो 80,000 बुक वैल्यू था, 10% कम पर लिया, 80,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,000, यानी कितने में लिया 72,000 में लिया, यानी इसका वैल्यू कितना था 80,000। आ गया समझ में बेटा, किसने लिया है, वाई ने लिया है। तो अगर कोई एसेट्स लेगा तो वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन, बी का पहला वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना 72,000। अब आइए, अब आगे क्या करें बेटा, देयर जेड इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्डरी एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग कितना बच गया, टोटल एसेट्स 1,17,000 का था, इसमें 80,000 का एसेट 72 में लिया है, तो इसमें से क्या माइनस करोगे 80,000, 117 माइनस 80,000, रिमेनिंग बच गया बेटा 37,000। 1,17,000 का था ना बेटा, सॉरी 1,20,000 का था, 1,17,000 का था, रिमेनिंग कितना बच गया बेटा 37,000, इसमें से 80,000 माइनस किया 37,000 बच गया रिमेनिंग, और उसका 80% बुक वैल्यू, तो इसका 80% निकाल लो, 37,000 का 80% बेटा 29,600 में किसने लिया, जेड ने लिया। तो क्या एंट्री करोगे, जेड कैपिटल टू रियलाइजेशन, किया मैंने जेड कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना 29,600। ये वर्किंग नोट्स आप एग्जामिनेशन में जरूर बनाइएगा। अब आइए लास्ट सी देखो बेटा, जेड एक पार्टनर है, अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिसेज जेड लोन। जेड ने अपने पत्नी का लोन डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया, तो लोन क्या है, पत्नी का लाइबिलिटीज है, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज अपने ऊपर लेता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इसका एंट्री क्या करेगा, रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल, जेड है ना बेटा, हाँ रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल, कितना लोन दिया है 11,500 का लोन था और इंटरेस्ट भी 2,300 देगा, तो दोनों प्लस कर दो, 11,500 प्लस 2,300 13,800, यहाँ किया मैंने रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल 13,800। तब ये इस टाइप का यानी जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हम मैंने पूरा बता दिया आपको, इसी बेस पे, इस बेस को अगर कमांड कर लोगे कहीं नहीं मिलेगा किताब में, अगर इस बेस पर आप बनाओगे तो सारे जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का बना लोगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक अब दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अगले दिन मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।